हेलो। चलिए शुरू किया जाए। रीजनिंग टेस्ट 131। और इसमें बता दें, आज का जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है आपको एनटीपीसी सीबीटी 1। दो हजार इक्कीस में जो एग्जाम हुआ है उससे है यह क्वेश्चन। डेट नहीं याद है। चलिए क्वेश्चन पे आए हम लोग। लिख रहा है इसमें, रेल का इंजन, रेल का इलेक्ट्रिक इंजन। हेलो 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 हेलो। लिख रहा है इसमें, रेल का इंजन, रेल का इलेक्ट्रिक इंजन, रेल का डीजल इंजन। तो इसका अर्थ है सीधा सीधा, रेल का इंजन उसके अंदर इलेक्ट्रिक इंजन अलग और डीजल इंजन अलग। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक नंबर, ऑप्शन ए। कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। इसके बाद देखिए क्या है, दूसरा क्वेश्चन है इसमें। लिख रहा है क्वेश्चन में, तो दो खिलाड़ियों या टीमों के बीच नेट लगाकर खेला जाता है, इनमें से कौन सा खेल दो खिलाड़ियों या दो टीम के बीच में नेट लगा करके खेला जाता है, यह बात है। तो ऐसा कौन सा खेल होता है? बैडमिंटन होता है, ठीक है। और जब आप देख रहे हैं कि बैडमिंटन है हमारे पास, तो बैडमिंटन कोर्ट स्टूल के रूप में, तो बैडमिंटन को क्या कहा गया? तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? स्टूल। इसको पूरा पढ़ें पूरा नहीं पढ़ें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर मान लीजिए आप पूरा पढ़े हॉकी को मेज के रूप में, तो आप अगर सबसे पहला चीज यह पढ़ लेते हैं कि हमको दो खिलाड़ी वाला ही, जिसमें नेट लगा करके दो खिलाड़ी खेलते हैं, वही वाला चाहिए। हॉकी नेट लगा हुआ रहता तो है पीछे में, जहां पर ये किया जाता है, क्या बोलते हैं, गोल किया जाता है, तो उससे तो कोई मतलब है, दो को खिलाड़ी तो होता नहीं है उसमें। बास्केटबॉल, यहाँ तो नेट का कोई काम ही नहीं है, ये खत्म, इसमें भी दो प्लेयर नहीं होता है। बैडमिंटन, इसमें नेट भी होता है और दो प्लेयर भी होता है। क्रिकेट, 11 प्लेयर, नेट का कहीं कोई प्रयोग नहीं। तो यानी कि जब हम जान गए कि बैडमिंटन में दो प्लेयर होता है और इसमें नेट का भी प्रयोग होता है, तो हम बैडमिंटन को क्या कहते हैं? स्टूल। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? स्टूल। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर थ्री। लिख रहा है, गोरैया है, चील है, कौवा है, एमू है। तो गोरैया आप लोग जानते ही होंगे, चील भी जानते होंगे, कौवा भी जानते हैं। एमू जो होता है, एक ऐसा पक्षी होता है जो शुतुरमुर्ग के तरह होता है, वह दौड़ सकता है, चल सकता है, उड़ नहीं सकता है, ठीक है। दौड़ सकता है, चल सकता है, लेकिन उड़ नहीं सकता है। तो ऐसा पक्षी होता है एमू। क्या बोले? पेंगुइन हमारे ऑप्शन में नहीं ना बाबू, ठीक है। पेंगुइन ऑप्शन में तो है नहीं जो हम उसका बात करें। कुछ ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं जो कि दौड़ सकता है, उड़ सकता है, सॉरी उड़ नहीं सकता है। शुतुरमुर्ग है, कीवी होता है, वो भी होता है, एमू है, ठीक है। ये सबको डेना होता ही नहीं है। जब डेना ही नहीं है तो फिर कहानी ही खत्म हो गया। डेना देखिए कहीं है ही नहीं, ये क्या करेगा? अपना पैर का प्रयोग करके दौड़ेगा। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग।
तो आंसर हो जाएगा इसका एमू ऑप्शन चार नंबर। चार शब्द दिए गए हैं, असंगत का पता लगाइए। काहे से कर रहा है जी। हेलो, देखते नहीं करता बीच में, इसीलिए। और क्या, हृदय है, न्यूरॉन है, मेरुदंड है और मस्तिष्क है। इसका आंसर क्या होगा बताइए? हृदय हो जाएगा, क्योंकि यह सारा का सारा तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? हृदय हो जाएगा। इसको भी देखना है, आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल है, फाइव नंबर। देखिए, हाँ जी, नेक्स्ट सवाल है फाइव नंबर। देखिए, फोर वन सिक्स सेवन और एट, फोर और थ्री माइनस वन, वन और टू प्लस वन, सिक्स और फाइव माइनस वन, सेवन और एट प्लस वन, और एट और सेवन माइनस वन, यानी कि माइनस वन प्लस वन माइनस वन प्लस वन माइनस वन प्लस वन, ये हो रहा है। अब आप यही सिचुएशन सिक्स में माइनस वन करिएगा, क्या होगा? फाइव होगा। तो ये वाला ऑप्शन तो गया, ये भी गया। फाइव में प्लस वन करिएगा तो सिक्स, दोनों ठीक है। थ्री में माइनस वन करिएगा तो क्या होगा? टू। ये ऑप्शन गलत, आंसर हो गया ऑप्शन दो तीन नंबर सी ऑप्शन। क्लियर है? अगले सवाल की ओर। फाइव के बाद है सिक्स नंबर सवाल। क्या लिख रहा है देखिए, आर एक लड़की पी की मां, आर एक लड़की पी की मां और ए की बहन है। बहन है बाबू ये ए की, और मां है ये पी की। आर एक लड़की पी की मां और ए की बहन है, और ए डी का इकलौता पुत्र है। ए जो है वह पुत्र है किसका? तो डी का, इकलौता पुत्र है। और ए एक लड़की सी का पिता है, ए डी का इकलौता पुत्र है और एक लड़की सी का पिता है। किसके बारे में बोल रहा है? ए के बारे में बोल रहा है। ए डी का इकलौता पुत्र और एक लड़की सी का पिता है। एक लड़की सी है जिसका ये कौन है? तो बाबू पिता है, पिता है ये सी का। ये भी लड़की, ये भी लड़की, दोनों ऊपर में दिया हुआ पी आर। यदि आर एक लड़की पी की मां है, यानी कि ये जो है पुत्री है, और ये भी कौन है? पुत्री है। पी का ए से क्या संबंध है? पी और ए के बीच बहन का संबंध होगा सबसे पहला। अब ममेरी बहन, फुफेरी बहन, मौसेरी बहन, कौन सा बहन? क्योंकि दोनों तो स्त्री है, तो ये इसके लिए बहन है। तो ये जब बहन हुई तो इसका मतलब ये इसके लिए भाई हुआ ना, तो इसके लिए कौन? मामा, मामा की बेटी, तो ममेरी बहन। ये कौन? अच्छा, पी का ए से पूछ रहा जी, पी का ए से, तो इसका मतलब ये कौन हुआ? मामा। और ये कौन हो जाएगा? तो भांजी। प्रश्न में लिखा है पी का ए से, जिस नाम के बाद से शब्द का प्रयोग, वो नाम आंसर नहीं होता है। तो ए के बाद से शब्द का प्रयोग है, यानी कि मामा आंसर नहीं होगा। मामा नहीं होगा तो क्या होगा? भांजी। और यहां पर दिया हुआ बहन की पुत्री को क्या कहते हैं? भांजी भी कहते हैं, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन चार नंबर डी ऑप्शन। किसी को कुछ बोलना है बोल लीजिए। क्या बोले? की पुत्री कैसे बन गई? चलिए कोई बात नहीं, लिख रहा है क्या देखिए। सबसे पहला ये सेंटेंस तो बाबू यहां पर खत्म हो गया।
क्या यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। और ए डी का इकलौता पुत्र, ए डी का इकलौता पुत्र और एक लड़की सी का पिता है, ए डी का इकलौता पुत्र और एक लड़की सी का पिता है, और ये पिता है किसका, डी का, जो कौन है, एक लड़की है यानी कि पुत्री हुई, क्या बोलिए, अच्छे से बोलिए, पी के बारे में पूछे थे आप, उस समय बोलना चाहिए था, हमको लगा इसके बारे में पूछे, ये समझ में आ गया, ये मिटा दे, कोई बात नहीं, वो भी दिया हुआ है। आर, एक लड़की पी की मां, आर मां है पी की, और जो कौन है, एक लड़की है, नहीं लिखा, आर एक लड़की पी की मां और ए की बहन है, आर एक लड़की पी की मां है, आर के बाद कॉमा है, आप लोग इसको पढ़ते कैसे हैं, इसको मिटा दें, आप लोग इसको पढ़ते कैसे हैं वो सुनिए, आर एक लड़की पी की मां और ए की बहन है, ठीक है, ई वाला को कोमा अगर तो यहां पर आप डाल दिए, आर एक लड़की पी की मां, पढ़े आप ऐसे, आर एक लड़की पी की मां, अगर आप ऐसे पढ़िएगा आप यही ना समझिएगा, आर एक लड़की पी की मां, एकदम सही आपका कहना, लेकिन बाबू कोमा यहां नहीं है, कोमा यहां ना है, यदि आर, उसके बाद रुकिए, एक लड़की पी की मां, तो जहां सेंटेंस छोटा सा स्टॉपेज, कोमा का मतलब थोड़ा देर के लिए रुकिए, आर एक लड़की पी की मां और एक बहन, और एक ही बहन है, अब वह क्लियर, यानी कि हमारा एडजस्टमेंट जो है वो कैसा होना चाहिए, आर एक लड़की पी की मां, एक लड़की पी की मां, तो ये जब मां हुई तो बेटी होगी ही होगी, क्लियर, मिटा दें, चलिए इसके बाद की कहानी क्या है वो हम लोग देखते हैं, सिक्स के बाद सेवन नंबर सवाल, इसमें क्या है देखिए, एक है, सॉरी दो है, तो एक का स्क्वायर प्लस एक, तीन का स्क्वायर प्लस एक, पांच का स्क्वायर प्लस एक, सात का स्क्वायर प्लस एक, नौ का स्क्वायर प्लस एक, और 11 का स्क्वायर प्लस एक, तो यहां पर जो होगा वो क्या होगा, 50 होगा, ऑप्शन दो नंबर, ठीक है, क्लियर है सबका, मिटा दें, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, सबसे पहला चीज देखिए, रिजु कौन होता क्या है, ये होता है, ठीक है, रिजु रेखा कहिए, रिजु कौन बोलिए, बात यही है, यही वाला चीज, अब हमसे पूछा क्या गया, रिजु रेखाओं की न्यूनतम संख्या कितनी है, यानी कि सीधा भाषा हमको स्ट्रेट लाइन गिनती करना है, ये हमको सीधी रेखा कितनी है यह कह करके भी गिनती करवा सकता था, पर क्या क्या कह गए, सीधी रेखा कितनी है, रिजु कोण कितनी है, कोण, हम रेखा नहीं बोल रहे, हम कोण बोल रहे हैं, रिजु कोण कितनी है तो भी यही बात होगा, रिजु रेखा कितनी है तो भी यही बात होगा, सीधी रेखा, रिजु रेखा, रिजु कोण,
अगर तीनों पूछ देता तो वही बात है जो अभी होना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ऑप्शन 4 नंबर। क्या हुआ? वो देखिए खाली वो किया था आरपीएफ वाला में, जेई वाला में, उसके बाद तो नहीं किया, हम कैसे कहें अपने मन से। अब प्रीवियस सेट है, बोर्ड के आंसर को मिलाना पड़ता है ना। हाँ, न्यूनतम मतलब कम से कम जी, अगर ज्यादा से ज्यादा बोलता मान लीजिए थोड़ा देर के तो भी इसमें यही होता, क्योंकि रिजु रेखा बोला है और रिजु रेखा होता बाबू ऐसे बिंदु बीच में होना चाहिए। हाँ हाँ कभी कभी हो जाता है, उसको कहते हैं ये कहते हैं उसको, ऐसे हो जाता है बाबू, इसी से हो जाता है। हम कहाँ कहते हैं 12, ये बात हम भी जानते हैं, ठीक है। आप देखिए हम बार बार बोलते हैं, अब जैसे इस टाइप का क्वेश्चन में आपको लग रहा है ना कि 13-12 होता है या हो सकता है, क्वेश्चन आपके पास तो जरूर होगा कि नहीं होगा, एक आध को लेके आ जाएगा, कल भी हम मिलेंगे आपको, ठीक है। नहीं हम पहले देखेंगे तब ना, कैसे हम आपका बात मान लें कि आप एकदम पूरा पूरा झूठ बोल रहे हैं, ऐसा हम थोड़ी कह रहे हैं, इसीलिए हम भी देख लेंगे उसके बाद ही ना कुछ कहेंगे। जहां तक बात है हम बताते हैं, अगर आप आरपीएफ 2018-2019 और आरपीएफ और रेलवे जेई 2019 का बात कर रहे हैं तो वहां पर हमको भी कंफ्यूजन है, क्योंकि आरपीएफ में कुछ और बोला और जेई में कुछ और बोला, दोनों एग्जाम रेलवे का ही है। आरपीएफ में अगर गिनती का बात कर लें, थोड़ा मिटाते हैं इसको, तो गिनती क्या आई से 1, नहीं रेलवे जेई में गिनती क्या आई से 1, 2, 3, ठीक है 1, 2, 3, तो 3, 3, 3, 3, 3 करते रहिए, 3, 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
ठीक है, मतलब उसका कहना था वन टू और थ्री, उस हिसाब से इसमें बहुत है। तो एग्जाम एग्जाम के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन उसमें भी था कि बहुत ही कम ऐसा क्वेश्चन था जिसमें कि दोनों टाइप का ऑप्शन आता था। और चूंकि इसमें न्यूनतम वाला बात कह दिया है, तो यहाँ पर हम ये वन टू थ्री तो करेंगे ही नहीं, यहाँ करेंगे सिर्फ और सिर्फ वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन ट्वेल्व। ठीक है, आगे बढ़ें। क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक रैंकिंग सूची में प्रत्येक व्यक्ति को केवल एक विशिष्ट रैंक दी जाती है और 40 फुटबॉल खिलाड़ियों की सूची में जतिन की रैंक 15वीं है। ठीक है, देखते हैं क्या है। टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन। ठीक, एक रैंकिंग सूची में प्रत्येक व्यक्ति को केवल एक रैंक दी जाती है, प्रत्येक व्यक्ति को केवल एक रैंक, तो कौन बड़का बात कह दिया, सही तो कह रहा है। ठीक है, और 40 फुटबॉल खिलाड़ियों की सूची में टोटल नंबर ऑफ पर्सन 40, जतिन की रैंक 15वीं है, जैसे जतिन स्टार्टिंग से हो गया ये 15। यदि सूची में मनोज से नीचे 8 खिलाड़ी हैं, मनोज से नीचे केवल 8 खिलाड़ी है, मतलब मनोज नीचे से 9 नंबर पर, मनोज नीचे से कितने नंबर पर, इस शुरू से 15, इस नीचे से 9, 15 9 24, 24 के बाद 16 जोड़ दीजिए तो कितना 40, क्या कोई दिक्कत। अब क्या लिखा, तो जतिन और मनोज के बीच कितने खिलाड़ी हैं, 16 खिलाड़ी है, ऑप्शन सी। किसी को कुछ बोलना है तो बोल लीजिए। अब कहिएगा कुछ लोग कि सर टोटल लेफ्ट राइट माइनस वन कहाँ किया आप,
जब बाबू टोटल निकालना होता है तब हम लेफ्ट और राइट को जोड़ करके माइनस वन करते तो हमको टोटल आता है। तो सर यहाँ पर क्यों किए, यहाँ पर बाबू ऐसे ही सब कुछ निकल रहा था, हम इस फॉर्मूला का प्रयोग किए ही नहीं, इसको सिर्फ यूज उतना ही किए टोटल लेफ्ट और राइट लिखने के लिए ही यूज किए ताकि ढंग से समझ में आ जाए, नहीं तो इसका ऐसे यहाँ पर कोई प्रयोग नहीं था। मिटा दें, चलिए अगला सवाल। कुछ आदमी हाथी है, कुछ आदमी हाथी है, कुछ हाथी बाघ है, कुछ हाथी बाघ है, तो कुछ हाथी आदमी है, कुछ हाथी आदमी है, तो हाथी आदमी तो है ही है सही, कुछ बाघ हाथी है, बाघ हाथी है क्या, देखिए तो ये बात भी है तो ये भी सही, एक और दो दोनों क्या होता पालन करता है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तीन नंबर। ठीक है आगे बढ़े, शैक्षणिक संस्थानों के पुस्तकालयों में पर्याप्त पुस्तकों की उपलब्धता के बावजूद शहरी क्षेत्र के शैक्षणिक संस्थानों में अध्ययन करने वाले अधिकांश छात्रों ने ऑनलाइन या ऑफलाइन अध्ययन सामग्री खोजने के लिए मुख्य संसाधन के रूप में मोबाइल फोन या अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का प्रयोग करना शुरू कर दिया है, परिणाम स्वरूप अध्ययन सामग्री के रूप में प्रयोग की जाने वाली पुस्तकों के उपयोग में भारी गिरावट हुई है। ठीक है, अब भारी गिरावट हो गया, एकदम आप लोगों का ही बात इसमें कह रहा है। आज सुबह वाला फाउंडेशन बैच का एक विद्यार्थी, बहुत अच्छा विद्यार्थी माना जाता है, उसका लक्षण से हम बाबू परेशान हैं। क्वेश्चन सॉल्यूशन किए तो हुआ क्या, लगभग बोर्ड भर गया सॉल्यूशन करते करते, एक को क्वेश्चन नहीं था, चार पांच को क्वेश्चन था, सबको हम सॉल्यूशन कर दिए, वो बैठ के देख रहा था तो हमको लगा कि चलो अभी समझ रहा है बाद में लिखेगा, उसके बाद क्या क्या वो फोटो खींच लिया। ठीक है, नहीं आप बहुत बढ़िया काम करते हैं, फोटो खींच लेते हैं, एक बात जान लीजिए वो जो फोटो खींचा है ना वो फोटोवे में रह जाएगा, मोबाइल में रह जाएगा, वो कभी कॉपी हो ही नहीं सकता है, और जब आप कोई चीज कॉपी करते हैं तो दिमाग उसको दो बार पढ़ता है, एक बार जब आप पढ़ते हैं उसको और दूसरा बार जब उसको लिखते हैं, तो वह चीज दिमाग में कितना बार गया, दो बार गया, और जब फोटो खींचते हैं ना तो एक बार भी नहीं गया, वो गया मोबाइल में, मोबाइल का स्टोरेज बढ़ेगा, ये बात बिल्कुल ही सही है, आपका स्टोरेज क्या होगा वो छोड़ दीजिए। और दूसरा एक और चीज देखते हैं हम, ऐसे ही बहुत सारे को देखे हैं, सर जो पढ़ाते हैं उसका PDF दे दीजिए। ठीक है, तो हमको लगता है कि भाई क्वेश्चन का PDF देना उचित है, ये बात हमको भी समझ में आता है, लेकिन विद्यार्थी उसका PDF नहीं, ये जो यहाँ पर जो कलम चलाते हैं ऐसे ऐसे, अब 12 का स्क्वायर प्लस 5 4 बराबर कितना होता है जी 148, इसका भी PDF चाहता है। ठीक है, तो ये ऑनलाइन के चक्कर में कहाँ जा रहे हैं थोड़ा सा सोच के देखिएगा। रहा बात इसमें, ये बाबू बिल्कुल ही बहुत अच्छा चीज है, मोबाइल से पढ़ना, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण से पढ़ना, इसका प्रयोग करके पढ़ते हैं, बहुत अच्छा चीज है, लेकिन होता क्या है ना, ये पढ़ते पढ़ते ये देखिए आज हम मोबाइल अपडेट किए हैं, चल रहा है YouTube है, यहाँ WhatsApp शो कर रहा है मेरा, यानी कि कोई ना कोई मैसेज आया है। ठीक है, देख लीजिए आप लोग, कौन जरूरत है हमारा, तो होता क्या है वो आ जाता है मोबाइल में पढ़ते पढ़ते किसी का मैसेज, चाहे कोई ना कोई वो जो रहता है वो नोटिफिकेशन, और नोटिफिकेशन अगर कहीं डांस वाला आ गया, समझिए रहे होंगे सब, तो वो तुरंत उधर चला जाता आदमी, और उधर जाने के बाद जो है कितना देर के बाद फिर वापस आएगा वो आप लोग अपने अपने समझ लीजिए। लिख रहा है इसमें, शैक्षणिक संस्थानों के पुस्तकालयों में पर्याप्त पुस्तकों की उपलब्धता के बावजूद
शैक्षणिक संस्थान में बहुत सारे पुस्तक उपलब्ध हैं, उपलब्ध होने के बावजूद शहरी क्षेत्र के शैक्षणिक संस्थान में अध्ययन करने वाले अधिकांश छात्रों ने ऑनलाइन या ऑफलाइन अध्ययन सामग्री खोजने के लिए मुख्य संसाधन के रूप में मोबाइल फोन या अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का प्रयोग करना शुरू कर दिया है। मतलब पुस्तकालय में पुस्तक रहेगा, उसके बावजूद भी हो कौन जाएगा लाइब्रेरी उतना दूर, मोबाइल में डाउनलोड कर लेते हैं, यहीं पढ़ लेंगे, ठीक है। ये वाला कार्य शुरू कर दिया है। यहाँ ये परिणाम स्वरूप अध्ययन सामग्री के रूप में प्रयोग की जाने वाली पुस्तकों के उपयोग में भारी गिरावट हुई है, और इसका परिणाम क्या निकला है, पुस्तक के उपयोग, किताब बिकना कम हो गया, उसका सीधा सीधा बात यही है, पुस्तकों का उपयोग में गिरावट हुआ है। तो अब है नंबर एक, पुस्तक पढ़ने के तरीके खोजे जाने चाहिए। पुस्तक पढ़ने के तरीके क्या खोजेंगे, पुस्तक पढ़ने का तो तरीका ऑलरेडी है, आप डाउनलोड ही कर रहे हैं तो किताबें ना पढ़ रहे हैं, उसका अध्ययन सामग्री को ही ना अध्ययन कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि टकाटक वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। यहां जो कह रहा है वही सुनना है, भले आप मोबाइल में डाइवर्ट हो जाते हैं वो अलग चीज है, लेकिन यहाँ डाइवर्ट होने का बात तो नहीं किया है, तो यह बात बिल्कुल ही क्या है, गलत है कि पुस्तक पढ़ने के तरीके खोजे जाने चाहिए। तरीका तो ऑलरेडी वही है कि पेज पलटाओ पढ़ो, फिर पेज पलटाओ फिर पढ़ो, ठीक है। नया नया फोटो, नया नया डिजाइन भी बच्चा सबके किताब में दिया जाता है कि बच्चों को पढ़ने में इंटरेस्ट आए। पहले ब्लैक एंड व्हाइट, हम लोग के समय ब्लैक एंड व्हाइट फोटो रहता था, आजकल रंगीन रंगीन फोटो आता है, क्यों देता है ऐसा। हम अपना भतीजा का फोटो देख रहे थे, पीला कलर का सेब था, बताइए पीला कलर का सेब होता है, होता होगा, हरा सेब लाल सेब जो होता है तो देखे हैं, ठीक है, पीला कलर का सेब तो नहीं देखे हैं। हाँ जम्मू कश्मीर में होता, देखिए तू बाबू वही ना जा रहा है नौकरी करने, पीले कलर के सेब खोज खोज के खाना। पुस्तक पढ़ने की स्थिति खोजने के बारे में जानने के लिए एक शोध अध्ययन किया जाना चाहिए। पुस्तक पढ़ने की स्थिति को खोजने हैं, पुस्तक पढ़ने का स्थिति वही है जो पुराने तरीके से चलता आ रहा है कि किताब को पलटना है पढ़ना है, अब नया स्थिति थोड़ी उसमें खोजा जाएगा, इसीलिए दोनों का दोनों तरीका क्या है, गलत है, क्या है। हाँ देखिए है ना, खूब निकाल निकाल खाइए, व्हाट्सएप पर चमकीला गुलाब भी मिलता है, बॉल जलते रहता है इसे ऐसे मिटा दे इसको। 11 के बाद 12, धूप सेकना विटामिन डी एक स्रोत है, विटामिन डी का एक स्रोत ऐसा होना चाहिए। एक चिकित्सकीय सलाह, यानी कि अगर आपको विटामिन डी फ्री में प्राप्त करना है तो जाइए धूप सेकिए, धूप में बैठिए, विटामिन डी का प्राप्ति होगा। तो नंबर एक है धूप सेकना विटामिन डी एकमात्र स्रोत है, एकमात्र स्रोत थोड़े ही है, और भी तरीके से आप विटामिन डी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन ये जो लिख रहा है एकमात्र स्रोत है, इसलिए यह बात बिल्कुल ही क्या है, गलत है। लोग शरीर में विटामिन डी प्राप्त करने के एक तरीके के रूप में धूप सेक सकते हैं, जी हाँ, अगर आपको विटामिन डी प्राप्त करना है तो आप जो एक तरीका है धूप सेकना, आप उससे भी विटामिन डी प्राप्त कर सकते हैं। पहला गलत, दूसरा सही, मिटा दें। अगला सवाल है, कुछ अंगूठियां चूड़ियां हैं, कुछ अंगूठियां चूड़ियां, कुछ चूड़ियां ब्रेसलेट हैं, सभी ब्रेसलेट स्टड है। तो नंबर एक, कुछ स्टड चूड़ियां हैं, कुछ स्टड जो है वो बाबू चूड़ियां हैं, सही कि गलत। कुछ ब्रेसलेट अंगूठियां हैं, कुछ ब्रेसलेट ऐसा है जो कि बाबू अंगूठी है, सही कि गलत। कोई ब्रेसलेट अंगूठी नहीं है, कोई ब्रेसलेट अंगूठी नहीं, ये बात सही कि गलत। अब यही सिचुएशन दूसरे तरफ से देखिए, कुछ अंगूठियां चूड़ियां हैं, कुछ अंगूठियां चूड़ियां हैं, कुछ चूड़ियां ब्रेसलेट है, कुछ चूड़ियां ब्रेसलेट है,
कुछ चूड़ियां ब्रेसलेट है, सभी ब्रेसलेट स्टड है, सभी ब्रेसलेट क्या है स्टड है, ठीक है। तो कुछ ब्रेसलेट अंगूठियां हैं, कुछ ब्रेसलेट अंगूठियां हैं, तो ये बात क्या है सही, कोई ब्रेसलेट अंगूठियां नहीं, कोई ब्रेसलेट अंगूठियां नहीं है इधर से सही है, इधर से क्या गलत, सॉरी हाँ हाँ, तो एक से ये सही हुआ, एक से ये सही हुआ, एक से ये गलत हुआ, एक से ये गलत हुआ, तो ये दोनों मिलकर के क्या बना देगा आइदर का केस, और पहला नंबर क्या हो जा रहा है सही। आइए चौथा पे, कुछ चूड़ियां अंगूठियां हैं, कुछ चूड़ियां अंगूठियां हैं, इधर से भी सही और इधर से भी क्या सही, तो दोनों का दोनों तरीका से चूड़ियां अंगूठियां क्या होगा सही होगा, तो पहला और चौथा सही है और दूसरा और तीसरा मिलकर के आइदर बना रहा है, पहला और चौथा सही है दूसरा और तीसरा मिलकर के आइदर बना रहा है। आप इस ऑप्शन को ध्यान से देखिए, दो नंबर में जो लिखा बाबू, केवल एक और चार पालन करते हैं तथा या तो निष्कर्ष दो या तो निष्कर्ष तीन पालन करता है, यहां पर क्या है एक और चार पालन करता है तथा दो या तीन पालन करता है, ये एक नंबर हुआ, ये दो नंबर था, ये तीन नंबर है और ये चार नंबर है, एक और दो मिलकर, एक और चार तो बिल्कुल सही है, तीन और चार आइदर बनाता है, तो इस हिसाब से ये ऑप्शन बिल्कुल ही क्या है सही है, क्लियर। जबकि अगर बात कर ले इससे पहले वाले टेस्ट में, जो भी कभी भी अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिया और उसमें इस टाइप का ऑप्शन नहीं रहा है, इस टाइप का ऑप्शन नहीं रहा है, यानी कि उसमें होता क्या था एक और दो, एक और चार, सॉरी एक और चार पालन करते हैं ऐसे, नहीं तो आइदर वाला दे देता था या कुछ ऐसा ही इस ढंग का। तो ये हुआ पूरा एक्सप्लेनेशन, और पूरा एक्सप्लेनेशन के हिसाब से आप देख लीजिए पूरा ऑप्शन भी दिया है, जब अधूरा ऑप्शन देगा तो अधूरा के हिसाब से टिक करेंगे, जब पूरा ऑप्शन देगा तो पूरा के हिसाब से टिक करेंगे, लेकिन बनाएंगे तो कंप्लीट, ठीक है मिटा दें। चलिए आगे, पुराने पत्ते के स्थान पर नए पत्ते आते हैं, पुराना पत्ता है उसके स्थान पर क्या होता है नया पत्ता आता है, यह बात इसमें कह रहा है, तो पुराने पत्तों के बिना नए पत्ते नहीं आ सकते, पुराने पत्तों के बिना नए पत्ते नहीं आ सकते, तो यह बात बाबू सही की गलत, गलत बात है, पुराने पत्ते बेकार होते हैं, यह बात भी गलत है, पुराने पत्ते का कुछ ना कुछ तो कार्य जरूर होता है, जब तक पुराना पत्ता नहीं रहेगा वहां नया पत्ता खिलेगा ही नहीं, दूसरी बात अगर पत्ता सूख करके गिर भी जाता है तो वो खाद का काम कर जाता है, तो बेकार कैसे हो गया, क्या लिख रहा देखिए, पुराने पत्तों के स्थान पर नए पत्ते आते हैं, रुकिए ना, पुराने पत्तों के बिना नए पत्ते नहीं आ सकते, पुराने पत्तों के बिना नए पत्ते नहीं आ सकते, नहीं 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 इसका मतलब आप उल्टा समझ लिए, आप क्या समझे कि पुराना पत्ता, अगर पत्ता नहीं रहेगा तो एक भी पत्ता नहीं आएगा, ठीक हाँ, अब आप पढ़िए उसको क्या लिख रहा है, नहीं बात वही नहीं कह रहा, बात जो आप कह रहे हैं ना वही वहां नहीं कह रहा है, आप जो कह रहे हैं एक बार फिर से कहिए हम आपका बात लिखते हैं, आप जो कह रहे हैं ना वही बात यहां पर नहीं दिया हुआ है, लेकिन आप उसको समझ रहे हैं उल्टा, बोलिए आप क्या कह रहे हैं, पत्ता पत्ता, हम सेंटेंस पहले वही रखते हैं क्योंकि आप जो बोल रहे हैं हम उसको पहले लिख देते हैं, आप आराम से समझ जाइएगा, बोलिए
जो लिखा है आप उससे सहमत हैं क्या? वही तो हम कह रहे हैं, जो आप लिखे उससे आप सहमत हैं ना। अब आप पढ़िए क्या लिखा है। नया पत्ता ही है उसको उस स्थान से हटा दिया जाए। मान लीजिए आपका कहना कि पेड़ में पौधा में पत्ता है, उसको आप तोड़ करके हटा दिए, ठीक। अब उसके स्थान पर नया पत्ता आएगा, एकदम बिल्कुल सही बात है ये, कि जब आप पत्ता हटा दिए, पेड़ में एक भी पत्ता नहीं है तो कुछ दिन के बाद ही सही उसमें थोड़ा सा पत्ता आएगा, निकलेगा पत्ता। अब यहाँ क्या लिख रहा है वो आप पढ़िए। क्या हमने इसको सही लिखा है? हम जो वो नहीं पूछ रहे हैं, पुराने पत्ते के बिना नए पत्ते नहीं आ सकते, क्या मैंने इसको सही लिखा है या गलत? आखिर में बात यही है जो आप कह रहे हैं ना, बात यही है, बात दूसरा नहीं है। बस अगर हम इस चीज को सही कर देते ना, तब आपका ऑब्जेक्शन सही था। जब हम इसको गलत कर चुके हैं तब आपका ऑब्जेक्शन गलत है, सही है ही नहीं। जो बात आप कह रहे हैं वो बात यह कह रहा है। कब कह रहा है? जब हम इसको सही गलत कह रहे हैं ना, तब कह रहा है, ठीक है। समझ में आया? आप भी वही चीज बोल रहे हैं जो यहां पर लिखा हुआ है कि सर ऐसा थोड़ी है कि पुरन का पत्ता को तोड़ के हटा देंगे तो नई का पत्ता नहीं आएगा, नई का पत्ता तो आएगा ना। आई क्या कह रहा है? सेम चीज यह भी कह रहा है। हाँ जी बोलिए। सूख जाता है वो तो बाबू, वो तो पेड़े खत्म है, मान लीजिए डाल ही मर गया। हाँ वही तो हम कह रहे हैं, डाल ही, जो डाल मर गया वहां तो जीवन ही नहीं ना है। तो वो जीवन ही जब नहीं है तो फिर वहां पर पैदावार कैसे होगा कोई भी चीज का? वो तो सिंपल सी बात है। लेकिन यहाँ क्या कह रहा है, पुराने पत्ते के स्थान पर नए पत्ते आते हैं। तो जहां पर पुराना पत्ता है वहां पर नया पत्ता आएगा। तो जहां हरियाली का बात है वहां ना, जो काट करके हटा दिए, टूट गया, सूख गया, उसके लिए ये सेंटेंस थोड़े ही है, उसके लिए सेंटेंस तो है ही नहीं। क्लियर हुआ? जहां पुराना, इसका कहना कि पुराना पत्ता जहां रहेगा, पुराना पत्ता जहां रहेगा वहां नया पत्ता आएगा, और ये कह रहा है कि पुराने पत्ते के बिना नए पत्ते नहीं आ सकते हैं। यानी कि पुराना पत्ता रहे चाहे पुराना पत्ता नहीं रहे, लीची का पेड़ देखें आप लोग, अगर आप लोग लीची का खेती किए हैं या आप लोग जानते होंगे, तो लीची जब तोड़ा जाता है ना, तो लीची का एक एक पत्ता पेड़ में से तोड़ दिया जाता है, एक एक पत्ता, ठीक है। इसीलिए आम के साथ उतना पत्ता नहीं आता है जितना लीची के साथ आता है मार्केट में बिकने के लिए, ठीक है। एक एक पत्ता उसमें से तोड़ दिया जाता है, वो उसके लिए, उस पेड़ के लिए फायदेमंद होता है। वो अगला साल जो है फिर अच्छा लीची देगा। और यदि उसमें से पत्ता सारा नहीं तोड़ा गया ना, तो कम लीची पैदावार होगा। बात समझे? आगे बढ़े अब। चलिए अगला क्वेश्चन। सक्षम प्राधिकारी के समक्ष, सक्षम प्राधिकारी के समक्ष कई अनुरोध करने के बावजूद पिछले 3 महीनों से कर्मचारियों को वेतन नहीं मिला, एक यूनियन के नेता का बयान। यूनियन के नेता का बयान है कि जो हम लोगों के पदाधिकारी हैं, तभी लिखा ना सक्षम पदाधिकारी, ठीक है। सक्षम प्राधिकारी मतलब जो हमसे रिलेटेड है, जो इस कार्य को करने में सक्षम हैं, उस प्राधिकारी के बारे में बोल रहे हैं, के समक्ष अनुरोध करने के बावजूद 3 महीना से कर्मचारी को वेतन नहीं मिला, एक यूनियन के नेता का बयान। यूनियन के नेता का यह बयान है कि 3 महीना से कर्मचारी को पेमेंट नहीं मिला है। तो किसको जाके कह रहा था? हम उसी को जाकर के कह रहे थे जो इसमें सक्षम अधिकारी है, ठीक है। तो प्रत्येक कर्मचारी को उसके वेतन निर्धारित तिथि को मिल जाना चाहिए। जी हाँ, जो भी निर्धारित तिथि है उस तिथि को उसको मिल जाना चाहिए, बिल्कुल सही है। दूसरा क्या लिख रहा है
समय पर कर्मचारियों को वेतन का भुगतान ना किए जाने पर ना किया जाना समय पर कर्मचारियों को वेतन भुगतान ना किया जाना सक्षम पदाधिकारी की अक्षमता को परिलक्षित करता है। देखिए वर्ड कितना भारी भारी डाल दिया है। समय पर यदि कर्मचारी को पेमेंट नहीं मिल रहा है तो सक्षम पदाधिकारी के अक्षमता यानी कि उसके कैपेसिटी पर यानी कि उसके पावर पर डाउट है, परिलक्षित करता है यानी कि हमको उसके पावर पर डाउट है। और ये बात बिल्कुल ही क्या है, सही, ठीक है, बात समझ में आया, बोलिए। हाँ हाँ अच्छा कोई बात नहीं, देख लेंगे, ठीक है। चलिए एक बात बताइए, लिख क्या रहा है? ना ना वहां क्या लिख रहा है, सक्षम प्राधिकारी के समक्ष अनुरोध। आप कहीं भी कार्य कर रहे हैं, मान लीजिए आप बिहार सरकार के टीचर हैं, ठीक, जानबे करते हैं वेतन तो मिलता है एक बार होली में, उसके बाद दीपावली में, छिपा हुआ तो है नहीं, और उसके बावजूद डंटा खाना पड़ता है, आके पटना में प्रदर्शन करना पड़ता है अपना वेतन मांगने के लिए, लाठी चार्ज, पत्थर, वो क्या बोलते हैं, पानी, खुजली वाला पानी, फोर्स वाला पानी सब सहना पड़ता है। अगर फिर काला झंडा दिखा दीजिए तो लीजिए, कहीं अगलो दुर्गा पूजा ना हो जाए, पता है ना ये चीज, समझ में आ रहा मेरा बात। तो एज अ टीचर आप क्या चाहिएगा, सर हमारा पास तो 2 बीघा खेत है, किसी तरह से चल जाता है काम, भले ही 1 साल में देता पैसा, मोटा पैसा आता, कुछ काम कर लेते हैं। तो आपके पास ना 2 एकड़ जमीन है, 2 बीघा जमीन है, और जिसके पास नहीं है उसका दुकानदार उसको फ्री में आना, मतलब क्या बोलते हैं जिसको, उधारी अनाज कितना दिन तक देगा खाने के लिए, जो सिर्फ और सिर्फ उसी टीचिंग जॉब पर है। सोच रहे हैं बात को? अब आप अपने कार्य का पैसा, कार्य जो किए हैं उसका पैसा के लिए अनुरोध कर रहे हैं, ये कितना बड़ा निगेटिव सेंस है ये पता है आपको? अपना पेमेंट देखिए, रेलवे वाला में एक बड़ा अच्छा बात है, 29 तारीख 28 तारीख को पेमेंट आपके अकाउंट में आ जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट में ये चीजें हैं, हमारा भैया का तो आ जाता है और सबका पता नहीं, आ जाता है ना, वही तो कर 1 तारीख से पहले आ जाता है, 29 तारीख 28 तारीख को आ जाता है। अब बताइए कि रेलवे में आदमी जॉब करने के लिए मार इसीलिए ना करता है, बिहार सरकार का मास्टरी ना करेंगे, समझ में आया? अनुरोध करना पड़ा, पेमेंट लाइए पेमेंट लाइए का अनुरोध करना नहीं पड़ा। तो प्रत्येक कर्मचारी को उसका वेतन निर्धारित तिथि को मिल जाना चाहिए, तो कौन गलत बोल रहा है ये बात? कार्य करवाने में तो बराबर है, तो पेमेंट देने में काहे कोतूहल कर रहे हैं? भीख तो नहीं मांग रहे, काम किए हैं आपके पास तो पैसा मांग रहे हैं, मांगना पड़ रहा है, ये शर्म की बात है ना, आपको तो अपने आप ना दे देना चाहिए। क्लियर? आइए, प्रधानमंत्री मनरेगा योजना साथ है जी, क्वेश्चन। हाँ, विनोद ने अपने नौकर को सबसे जो गलत कार्य आप लोग करते हैं वो गलत कार्य हम बार बार बोलते हैं बाबू, शब्दों का मिलान करना छोड़िए, उसके अर्थ को पकड़िए, तब पकड़िएगा क्या, तो शब्द को, निष्कर्ष निष्कर्ष, वेतन वेतन, भुगतान भुगतान, अनुरोध अनुरोध, नहीं गलत, ठीक है। विनोद ने अपने नौकर को सब्जी खरीदने के लिए सब्जी मंडी भेजा, लौटने के बाद नौकर ने कहा कि उसके द्वारा लाई गई प्रत्येक सब्जी हरी सब्जी थी और उसने बाजार में उपलब्ध प्रत्येक हरी सब्जी को खरीदा था, कद्दू है, भिंडी है, गोभी है, अटर है, मटर है, सटर है, सब प्रकार का सब्जी वो खरीद करके लाया, जितना सब्जी मुसल्लापुर हाट में प्रेजेंट था वो सब सब्जी कुछ ना कुछ खरीदा है, हरी सब्जी, हाँ जी, सारा का सारा हरा सब्जी वो खरीद करके लाया, प्रत्येक हरी सब्जी, मान ली 2 को मटर लिया होगा लेकिन लिया है, ठीक। तो विनोद ने अपने नौकर को सब्जी खरीदने के लिए सब्जी मंडी भेजा, लौटने के बाद नौकर ने कहा कि उसके द्वारा लाई गई प्रत्येक सब्जी हरी सब्जी थी और
उसने बाजार में उपलब्ध प्रत्येक हरी सब्जी को खरीदा था, तो केवल हरी सब्जी ही बाजार में उपलब्ध थी। नौकर ने उन सभी सब्जियों को खरीदा जो उसने देखी, उसने सिर्फ हरी सब्जी खरीदा, पीला सब्जी लाल सब्जी को उन्हें नहीं छुआ। नौकर ने बाजार में हरी सब्जियों के अलावा अन्य कोई सब्जी नहीं खरीदी, बाजार में अन्य कई सब्जियां उपलब्ध नहीं थी। क्लियर है, डाउट है, किसी को दिक्कत है तो बोल लीजिए, अभी बोलिए। एक एक करके आराम से, हाँ हाँ बोलिए। लिख रहा है केवल हरी सब्जियां ही बाजार में उपलब्ध थी। बाजार में तो और भी अलग अलग प्रकार का पनीरों तो उपलब्ध था, प्याज भी उपलब्ध था, आलू भी उपलब्ध था, और भी अलग अलग प्रकार का सब्जी उपलब्ध था, लेकिन हम वो सब सब्जी नहीं खरीदे, सिर्फ हरा सब्जी जो है वो खरीदे। तो केवल हरी सब्जी ही बाजार में उपलब्ध थी, समझ में आया? जितना हरा सब्जी था वो सब खरीदा, लेकिन पहले सुनिए आप, पहले आराम से आराम, आप मार्केट गए सब्जी खरीदने के लिए, बहुत सारा प्रकार का सब्जी आप देखे, लेकिन आपको खाली हरा सब्जी लेना था, तो जो जो हरा सब्जी था वो सब आप लेकर के चले आए, और सोयाबीन आपने नहीं खरीदा। सोयाबीन का सब्जी बनता है क्या? वो हरा सब्जी है, आप वो खरीदे या नहीं खरीदे? नहीं ना खरीदे, लेकिन मार्केट में तो सोयाबीन उपलब्ध था। केवल हरी सब्जी ही बाजार में उपलब्ध थी, तो ये बात तो गलत ना, सोयाबीन भी तो था, ठीक है, और पीछे से कोई कुछ बोल रहे थे। उसने बाजार में उपलब्ध प्रत्येक हरी सब्जी को खरीदा था, हाँ जी, जितना भी हरा सब्जी था, मान लो गोभी भी, भिंडी भी, मटर भी, साग भी, मूली भी, गाजर भी, जितना प्रकार का हरा सब्जी था वो सब खरीदा है ना, मूली तो उजला सब्जी होता है, समझ में आया? ठीक है, और कुछ? चलिए आगे बढ़िए। सभी बच्चे शरारती होते हैं, कुछ शरारती खिलाड़ी होते हैं, सभी बच्चे खिलाड़ी, सारा का सारा बच्चा खिलाड़ी होता है, सही की गलत? कुछ खिलाड़ी शरारती और कुछ खिलाड़ी शरारती होता है, सही की गलत? पहला गलत, दूसरा सही, ठीक है। सभी मार्कर फ्लूइड है, सभी फ्लूइड कॉपियां हैं, सभी मार्कर कॉपियां हैं, सारे के सारे मार्कर जो बाबू कॉपियां हैं, सही की गलत? कुछ कॉपियां मार्कर है और कुछ कॉपी जो वो मार्कर है, सही की गलत? सही है, दोनों सही है। क्या लिख रहा है देखिए, व्यक्ति और फल का निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन सही हो सकता है? देखिए वो खुद बोल रहा सकता है, कंफर्म वो भी नहीं है, ठीक है। लिख क्या रहा देखिए, किसी भी दो व्यक्तियों की समान फल पसंद नहीं है और प्रत्येक व्यक्ति को केवल एक ही फल पसंद है, बी और डी को क्रमशः संतरा और आम पसंद है। ना तो इसमें बी है और ना ही इसमें डी है, ना तो संतरा है ना तो आम, रहता तो मदद मिल जाता। सी और एच को ना तो केला और ना ही चेरी पसंद है, सी और एच को केला पसंद नहीं है और चेरी भी पसंद नहीं है, ठीक है। एफ को अनानास पसंद है, एफ भी नहीं है। ए को केला, अमरूद या सेब पसंद नहीं है। जी को अंगूर पसंद है, अब सी सेब और ई चेरी, और यहां पर बाबू अब दिक्कत हो गया, दो ऑप्शन आ गया,
क्या लगाएंगे नहीं पता चल रहा है, चलिए बनाते हैं। ए बी सी डी ई एफ जी और एच, बी और डी को क्रमशः संतरा और आम पसंद है, सी और एच को ना तो केला ना ही चेरी, सी को केला या चेरी पसंद नहीं है, चलिए हटाइए इसको बाद में देख लेंगे, एफ को अनानास पसंद है, अनानास पसंद है, ए को केला अमरूद या सेब पसंद नहीं है, ना तो केला है पसंद, ना तो अमरूद है पसंद और ना ही सेब है पसंद, ठीक है बहुत बढ़िया। और सी को जो है चेरी और केला पसंद नहीं, चेरी नहीं पसंद है और केला पसंद नहीं है, और एच को बाबू चेरी और केला पसंद नहीं है, और जी को अंगूर पसंद है, जी को बाबू अंगूर पसंद है। अब हम बात कर लें, अगर हमारे पास जो फल बचा हुआ वो कौन कौन है, संतरा खत्म, आम खत्म, अनानास अंगूर खत्म, अनानास खत्म, अंगूर खत्म, बच गया अमरूद, ए में जाएगा नहीं, चेरी जा सकता है, केला नहीं जाएगा, सेब नहीं जाएगा, तो बचा कौन, चेरी है ना, तो चेरी यहां आ गया, तो चेरी का कहानी ऐसे भी खत्म हो चुका है, बचा कौन, केला, तो केला नहीं ही जाएगा, सी और एच में केला नहीं ही जाएगा, हमारे पास इतना है ना, ई चेरी ये भी खत्म हो गया, देखिए ए चेरी हुआ ना, ई चेरी ये भी खत्म हो गया, तो जो बचा वही ना आंसर, ठीक है। अगर सेट करना तो हम सेट इधर कर लेते हैं, इसको केला पसंद नहीं है, इसको भी केला पसंद है, तो केला इसको पसंद होगा, हो गया आपको बच्चा जी, अमरूद, अमरूद यहां हो सकता है और अमरूद बाबू यहां भी हो सकता है, रुकिए ना जी, काहे इसे हड़बड़ा रहे हैं, सेब यहां भी हो सकता है और सेब बाबू यहां भी हो सकता है, क्योंकि हमारे प्रश्न के ऑप्शन में जो भी है वो तो सकता है के तहत सही है, लेकिन जब कंफर्मेशन के मामले में आते हैं तो कंफर्म बाबू यही होता है कि अमरूद या सेब, इससे ज्यादा कुछ कंफर्मेशन इसमें नहीं है। चलिए जल्दी जल्दी आप लोग लिख लीजिए, हो गया, दो का स्क्वायर तो चार, तीन का स्क्वायर तो नौ, आठ का स्क्वायर चौसठ, और तिरसठ का स्क्वायर कर दीजिए, उनचालीस सौ उनहत्तर आ जाएगा, ऑप्शन बाबू दो नंबर मिटा दें। इक्कीस नंबर सवाल है, चार गुने दो आठ माइनस दो, छः गुना तीन अठारह माइनस तीन, गुने चार माइनस चार और गुने पाँच माइनस पाँच, तो छप्पन गुने पाँच कर दीजिए और उसमें बाबू माइनस पाँच कर दीजिए, दो सौ अस्सी दो सौ पचहत्तर आ जाएगा, ऑप्शन बाबू तीन नंबर सी ऑप्शन, ठीक है। चलिए अगला सवाल है, बनाए थे ये सवाल आसान तो है, 20 एक 21 और 18 और एक हो गया बाबू 40, 40 का स्क्वायर 1600, ऐसे ही 34 का स्क्वायर कितना 1156, ऑप्शन बाबू चार नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन,
ये क्या है जी? एक गुने नौ प्लस नौ कर दीजिए बाबू, अठारह हो जाएगा। दो गुना छः बारह और सात उन्नीस हो जाएगा। चार गुने पाँच बीस और छः छब्बीस हो जाएगा। छः गुना सात बयालीस और आठ पचास हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा चार नंबर। ठीक है, आगे बढ़ें। आठ सहेलियां लिखा है, वेणु के दाई और तीसरे स्थान पर कौन बैठा या बैठी? चलिए देखते हैं। दो चार छः और आठ लिख रहा है इसमें, वेणु के सुमित्रा श्रुति के दाई और तीसरे स्थान पर है, श्रुति के दाई ओर, श्रुति के दाएं पहला दूसरा तीसरे स्थान पर कौन है? सुमित्रा। श्रुति के दाई ओर तीसरे स्थान पर श्रेया और सरिता श्रुति के निकटतम पड़ोसी हैं। श्रेया और सरिता श्रुति के निकटतम पड़ोसी हैं। वेणु सरिता के बाई ओर एकदम बगल में बैठी है। सरिता के बाई और एकदम बगल में तो नहीं, सरिता के बाई और एकदम बगल में कौन? वेणु। सरिता के बाई और एकदम बगल में तो सरिता इधर होगी तो श्रेया इधर होगी। प्रश्न में क्या पूछा था? वेणु के दाई और तीसरे स्थान पर कौन? तो वेणु के दाई और पहला दूसरा तीसरे स्थान पर कौन है? सुमित्रा है। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ जी गड़बड़ हो गया, गड़बड़ हो गया, बाई और हो गया नहीं, वेणु के दाई और पहला दाई और दूसरा दाई और तीसरा कौन है? श्रेया है। ऑप्शन बाबू दो नंबर। ठीक है, जल्दी लिखिए। एक तस्वीर की ओर देखते हुए इशारा करते हुए दीपक जो अपने माता पिता का इकलौता बेटा है, यानी कि दीपक का एक्सप्लेनेशन दे दिया गया कि वह अपने माता पिता का इकलौता बेटा है, बहुत बढ़िया, ने अभिषेक को बताया कि तस्वीर में मौजूद महिला उसकी बहन की मां की इकलौती पुत्रवधू थी। तस्वीर में मौजूद महिला का दीपक से क्या? आप लोग का एग्जाम 12 तारीख को है जी, और कौन कौन दिन है? बारह के बाद कभी भी ले सकते हैं, यानी कि 12 को नहीं एग्जाम। चलिए देखिए क्या है। एक तस्वीर को इशारा करते दीपक जो अपनी माता पिता का इकलौता बेटा है, बेटा है, ने अभिषेक को बताया कि तस्वीर में मौजूद महिला, ये तस्वीर किसका है? महिला का। तस्वीर में मौजूद महिला ने अभिषेक को बताया, दीपक अभिषेक को बता रहा है, महिला मौजूद महिला उसकी बहन, उसकी बहन मतलब दीपक की बहन, उसकी बहन की मां की इकलौती पुत्रवधू थी। अच्छा, दीपक की बहन, दीपक की बहन की मां, तो दीपक के लिए भी मां, उसके मां बहन के लिए भी मां, की इकलौती पुत्रवधू थी। इकलौती पुत्रवधू यानी कि वो जो तस्वीर वाली महिला, वो दीपक की कौन है? पत्नी है। महिला को दीपक कौन हो गया? पति। तो बोला गया उसकी बहन की मां की इकलौती पुत्रवधू थी। तस्वीर में मौजूद महिला का दीपक से क्या संबंध है? तो पत्नी का संबंध है। ठीक है, आंसर होगा पत्नी, ऑप्शन हो जाएगा सी तीन नंबर। जल्दी कीजिए। ठीक है, अगला सवाल जल्दी लिखिए। सवाल हमारे पास, छह व्यक्ति
व्यक्ति और रंगों का निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन सही है? व्यक्ति और रंग का संयोजन हमको देखना है। अलग अलग रंग पसंद है, एम और वाई को काला और गुलाबी रंग दोनों पसंद है, एम और वाई को काला और गुलाबी दोनों पसंद है, काला और गुलाबी, एम तो है नहीं यहां पर, दोनों पसंद है। ए और एन को सफेद और गुलाबी, एन को सफेद और गुलाबी पसंद है, बहुत बढ़िया। एक्स और बी को सफेद और हरा, एक्स और बी को सफेद और हरा नहीं है। वाई और बी को काला और हरा, बी का तो कहानी खत्म है, वाई को काला और हरा। तो तीन गो रंग मैच कर गया यहां पर, तो हम आगे आंसर होगा ऑप्शन सी, तीन नंबर। नहीं आता हमको बैठाने उठाने का क्या जर, जब ऐसे ही बन रहा है तो अब बैठा के बना दें, आपको हम बता देंगे बाद में, ठीक है, अब खत्म होने के बाद आप बैठाइए, बैठा के बनाइए, ठीक है। देखिएगा कहीं अगर मान लीजिए कि कॉपी भी हो जाए, ऐसे करके रखते हैं जैसे, देखिए नहीं हुआ जी, कहीं कहीं हो जाता है, बस पेस्ट करने का ऑप्शन कुछ कुछ दे ही देगा, मान लीजिए तो यो कर लीजिएगा, डायरेक्ट बैठाने उठाने कोई जरूरत नहीं है, कॉपी पेस्ट जो टेक्निक सिखा रहे हो सीखना नहीं है, बना के दिखाइए। बाद में बता देंगे लास्ट में। 27 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? चलिए अब देखते हैं। आठ दोस्त ये वो बहुत बढ़िया है, कथन भी लंबा चौड़ा है, एडजस्ट कर लीजिए मुंह बंद करके। आठ दोस्त है, एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं, जरूरी नहीं कि इसी क्रम में, ठीक है। चलिए आठ दोस्त है, 1 2 3 4 5 6 7 8 दायां इधर और बाबू बायां इधर, क्या लिखा देखिए। पी और यू के बीच में केवल दो दोस्त बैठे हैं, P और U के बीच में केवल दो दोस्त बैठे हैं, तो ये सिचुएशन बाबू ऐसा भी हो सकता है। Q भी के बाईं और चौथे स्थान पर बैठा है और भी पंक्ति के किसी भी एक सिरे पर बैठा है, जब सिरे पर बैठा है तो बाईं और चौथा, अगर हम भी को इधर बैठाते हैं तो बाएं चौथा उधर तो कोई होगा नहीं, इसका मतलब भी को इधर बैठाएंगे, बाएं पहला, बाएं दूसरा, बाएं तीसरा, बाएं चौथा, कौन है तो क्यू है। क्यू भी के बाईं और चौथे स्थान पर बैठा और भी किसी पंक्ति के सिरे पर बैठा है, हो गया। पी और एस के बीच में केवल तीन लोग बैठे हैं, पी और एस के बीच में तीन लोग, तो एक दो तीन इधर भी है, एक दो तीन इधर भी, एस कहीं भी एस हो सकता है। ना तो पी और ना ही एस क्यू या भी का पड़ोसी है, पी और एस में से कोई भी पड़ोसी नहीं है। चलिए ये भी बढ़िया है, टी पी के बाईं और एकदम बगल में बैठा है, टी पी के बाईं और एकदम बगल में, W ना तो S का और ना ही भी का पड़ोसी है, कहानी खत्म हुए नहीं। चलिए बढ़िया, एक बार फिर से पढ़ते हैं यही वाला लाइन, ना तो P और ना ही S Q या भी का पड़ोसी है, यहां पर ना तो P आएगा ना ही S आएगा, यहां पर P और S नहीं आएगा, यहां पर भी बाबू P और S नहीं आएगा, नहीं आएगा तो P और S के बीच में कितना आदमी है, तीन आदमी है। अगर हम P को यहां डाल दे तो 1 2 3 S नहीं, अगर हम S यहां डाल दे तो 1 2 3 P ये भी नहीं, यानी कि हम P और S यहां नहीं डाल सकते। P और S अगर यहां डालते हैं तो 1 2 3 यहां पर तो P S आ सकता है ना, P और U के बीच केवल दो लोग, दो दोस्त बैठे हैं, यहां पी को बैठाए थे ना जी, एक दो तीन, यहां पर कौन तो एस, और अगर पी इधर तो एस इधर, इसके अलावा हम पी और एस को कहीं भी डाल नहीं सकते हैं, क्योंकि इधर डालेंगे थोड़ा सा बढ़ाएंगे तो भी के बगल में चला जाएगा। अब क्या है, क्यू भी के बाईं और चौथे स्थान पर बैठा है,
पी और यू के बीच में दो व्यक्ति बैठे, पी और यू के बीच में दो, एक और दो, तो यहां पर बाबू यू, एक और दो तो यहां पर क्या यू, दोनों साथ में चल रहा है अभी तक। पी और यू के बीच में दो व्यक्ति बैठे, पी और एस के बीच में तीन व्यक्ति बैठे, ना तो पी, ये हो गया। टी पी के बाईं ओर एकदम बगल में, टी जो है पी के बाईं ओर एकदम बगल में, टी जो है पी के बाईं ओर एकदम बगल में। डब्लू ना तो एस का और ना ही भी का पड़ोसी है, डब्लू एस का पड़ोसी नहीं है, भी का पड़ोसी नहीं है, तो डब्लू यहां बैठा दीजिए। डब्लू एस का पड़ोसी नहीं है, डब्लू भी का पड़ोसी नहीं है, तो डब्लू को यहां बैठा दीजिए। और कौन बच रहा जी, एक ठो, ये तो आर यहां बैठ गया, ये हो गया एडजस्टमेंट, यहां पर भी आ गया, यहां पर कौन आ गया, टी आ गया, यहां कौन बैठेगा तब, आर, दोनों सेट हो गया। अच्छा डबल टी कर दिए, एक मिनट, डबल टी हो गया, नहीं एक तो गलत होगा ना, पी और यू के बीच में दो व्यक्ति बैठे हैं, पी और यू के बीच में दो व्यक्ति बैठे हैं, ठीक है। क्यू भी के बाईं और चौथे स्थान पर, क्यू जो है भी के बाईं और पहला दूसरा तीसरा चौथा, और क्यू इसमें है ये नहीं, यहां पर क्यू डालेंगे, क्यू भी के बाईं दूसरा तीसरा चौथा है। डब्लू ना तो एस का और ना ही भी का पड़ोसी है, डब्लू यहां भी नहीं जा सकता, डब्लू यहां भी नहीं जा सकता, मतलब ये वाला एडजस्टमेंट क्या है, गलत है। चलिए ये हो गया सही हमारा, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, पी तथा भी के बीच में केवल दो लोग बैठे हैं, पी और भी के बीच में बहुत लोग बैठे हैं, पी और आर के बीच केवल तीन लोग, पी और आर के बीच में एक दो तीन चार लोग, यू एस के दाईं ओर एकदम बगल में, यू एस के बाईं ओर एकदम बगल में, डब्लू क्यू के बाईं ओर एकदम बगल में, डब्लू क्यू के बाईं ओर एकदम बगल में, चार नंबर बिल्कुल सही। जल्दी लिखिए, दी गई जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़ें और प्रश्नों का उत्तर दें। लिख रहा है इसमें, इनमें से तीसरे स्थान पर कौन होगा, चलिए देखते हैं। मीता रीता से अधिक लंबी, मीता रीता से अधिक लंबी, लेकिन सोनी जितनी लंबी नहीं है, यानी कि सोनी से छोटी हो गई। रीता सरिता से अधिक लंबी, रीता सरिता से अधिक लंबी, सोनी रूपा जितनी लंबी नहीं है, सोनी जो रूपा जितनी लंबी नहीं है, इसका मतलब रूपा से छोटी है, तो तीसरे स्थान पर कौन है, मीता, ऑप्शन बाबू सी, तीन नंबर ऑप्शन, ठीक है। जल्दी लिखिए इसको, असंगत को छांटिए, केसरिया सफेद काला और हरा, काला हो जाएगा, क्यों होगा, तिरंगा का झंडा जो है, भारत का जो झंडा, उसमें बाबू काला रंग नहीं होता है, इसीलिए आंसर होगा काला इसका। इसके बाद बनाए थे, एम एन ओ, मतलब अल्टरनेट को लिखा है, एक को छोड़ करके दूसरे को, सॉरी पहला को लिखा दूसरे को नहीं लिखा, तो ई का पोजीशन कितना, पांच, ए को काट दीजिए, जी का पोजीशन सात, एल को काट दीजिए, ई का पोजीशन पांच, 575, ऑप्शन बाबू चार नंबर डी ऑप्शन, ठीक है। चलिए आप बोले थे सर हमको 26 नंबर एडजस्ट करके बता दीजिए, देखिए इसमें क्या लिखा है 26 नंबर में, एम एन एक्स ए वाई बी, एम एन एक्स ए वाई और बी, एम और वाई को काला गुलाबी, काला गुलाबी, काला गुलाबी, किसको, एम और वाई को काला गुलाबी रंग पसंद, दोनों पसंद है। ए और एन को सफेद और गुलाबी, सफेद गुलाबी,
सफेद गुलाबी, ए और एन को, ए और एन को सफेद और गुलाबी, एक्स और बी को सफेद और हरा, एक्स को सफेद और हरा और बी को भी सफेद और हरा, सफेद और हरा, वाई और बी को काला और हरा, वाई को काला और हरा, काला यहां ऑलरेडी है, हरा और बी को भी हरा है तो काला यहां डाल दीजिए। अब मिलाइए, काला हरा गुलाबी किस में लिखा हुआ है, काला गुलाबी हरा, काला गुलाबी हरा, ऑप्शन वाई, चार नंबर, तीन नंबर ऑप्शन, ठीक है। तो चलिए बाबू, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, जय हिंद।